वेलकम बैक टू चैनल तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड पेस्टल एनालिसिस काफी डिमांडेड टॉपिक है काफी बार मेरे कमेंट सेक्शन को हिट किया बट अनफॉर्चुनेटली ये टॉपिक मिस हो गया था बट आज के इस टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सो so, पेस्टल का मतलब क्या है पहले ये समझते हैं बिकॉज पेस्टल में हर एक की वर्ड है ई एस टी एल ई सबका कुछ मतलब है तो पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक एस फॉर सोशल

और आर प्लानिंग टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट प्रोडक्ट सर्विस तो होता है क्या है कि जब भी कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहती है किसी सर्विस को लॉन्च करना चाहती है या किसी नए प्रोजेक्ट में जाना चाहती है तो वो हमेशा इन्वायरमेंट के बारे में सोचती है कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में जा रही है वो इन्वायरमेंट को ट्रैक करने की कोशिश करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के सर्विस को समझने के लिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप समझो कि वो किस तरह के इन्वायरमेंट में ऑपरेट कर रहा है एंड दैट इज़ द रीज़न वाई जो पेस्टल एनालिसिस है उसका जो मेन पर्पस है वो इन्वायरमेंट को ट्रैक करना है ठीक है पेस्टल इज इनोमिक एंड विच इज सो बेसिकली इट गिवस द बर्ड आई व्यू ऑफ द होल एनवायरमेंट फ्रॉम मेनी डिफरेंट एंगल्स वन वॉन्ट्स टू चेक एंड की ट्रैक वाइल इन कंटेम टू सर्टेन आइडिया प्लान तो बेसिकली ये करता क्या है ये पेस्टल एनालिसिस अगर आप करते हो तो वो आपको एक डिफ़रेंट डिफरेंट एंगल से बर्ड आई व्यू देता है आपको आइडिया देता है कि क्या हमें इस प्रोडक्ट को इस इन्वायरमेंट में लॉन्च करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए प्लस आपको ये भी बताता है कि कितने इन्वायरमेंट हैं वो आपके सपोर्ट में हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे या कहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं बहुत क्विकली जो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ये सब कुछ आपको पेस्टल एनालिसिस से पता चल जाता है सो so, अब कुछ कई क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो देर आर सर्टन क्वेश्चन दट नीड टू बी आस्क वेल कंडक्टिंग एनी एनालिसिस तो यहाँ पे पेस्टल को करते समय भी आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे तो so, पहला क्वेश्चन क्या है वॉट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ अ कंट्री एंड हाउ इट गेट्स इफेक्टेड बाय द इंडस्ट्री अब किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी इंडिया में आ रही है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यह जानना कि इंडिया का पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा है क्या यहाँ पे गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं है या पॉलिटिकल सिचुएशन ओवरऑल कैसा काम कर रहा है प्लस किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कितना है फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कि टेलीकॉम हो गया उस पर काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है हमारी पोलिटिकल कम पोलिटिकल पार्टीज़ का और ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिस पर कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं हर इंडस्ट्री को ही पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इफेक्ट तो करता ही करता है वॉट आर द प्रिवलेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अगली चीज़ हमें जानना है वही है कि इकोनॉमिक फैक्टर्स किस तरह के हैं इन्फ्लेशन कैसा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसा चल रहा है उस कंट्री में वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्चर को समझना किसी भी मार्केट में आप जा रहे हो तो वहाँ के कल्चर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप तभी आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा अब ये देखो जब मेकडोनल्ड जैसी कंपनी के एफ जैसी कंपनीज इंडिया में आती हैं तो वो आलू टिक्की बर्गर्स बनाती हैं कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है जो यहाँ के टेस्ट बर्ड्स को बहुत सूट करता है जबकि यही आप फॉरन कंट्री में चले जाओगे तो आपको वो वही ब्रांड वही है लेकिन

अगली चीज़ जो है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन किस तरह के होते हैं आपके इंडस्ट्री में कितने क्विकली होते हैं कुछ एक इंडस्ट्रीज़ होती है जैसे आज के डेट में स्मार्टफोन इंडस्ट्री है स्मार्टफोन इंडस्ट्री तो ऐसी हो गई है कि इस टाइम पे उसकी शेल्फ लाइफ इतनी कम हो गई है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है उसके ठीक बैक टू बैक इतने प्रोडक्ट्स आ जाते हैं हर दिन एक नया प्रॉड फोन लॉन्च होता है तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इनोवेशन इतनी क्विक है कि अगर आप नहीं अप टू डेट हो पाए नहीं जल्दी जल्दी आ पाए तो बहुत दिक्कत होगी एक समय था जब कोई भी स्मार्टफोन कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती थी उसके दो साल बाद तीन साल बाद जाकर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च होता था आज के डेट में यह है कि हर कंपनी हर दो महीने तीन महीने पे एक नया प्रोडक्ट लेकर आती है राइट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द करेक्ट लेजिस्लेशन एंड रेगुलेट द इंडस्ट्री प्लस जो करंट लीगल इन्वायरमेंट है हैं उस कंट्री के या कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्री के वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो so, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिफोर यू गेटिंग टू द पेस्टल एनालिसिस अब आगे हम जब बात करेंगे तो इसमें जब और क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो मोर देन जस्ट अंडरस्टैंडिंग द मार्केट द फ्रेमवर्क रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द वर्टिब्रर्ज ऑफ द बैकबोन ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहीं ना कहीं जब भी आप स्ट्रैटेजी को बिल्ड करोगे जब भी आप स्ट्रैटी बनाने जाओगे वहां पर आपके लिए पेस्टल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंपनी को बताता है कि आप कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो आप कैसे सही तरह से इन्वायरमेंट को स्कैन करके अगर आपने सही प्रोडक्ट को सही मार्केट में प्लेस कर दिया तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं

कितना डिटेल में कर रहे हैं क्योंकि वो आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज बताता है वो सिर्फ आपको अपने इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में नहीं बताता वो आपको सारे इन्वायरमेंट्स के बारे में बताता है अब एक एक फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहला जो फैक्टर है वो हमारा हो गया पॉलिटिकल फैक्टर अब पॉलिटिकल फैक्टर क्या है तो दिस फैक्टर डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच द गवर्नमेंट मे इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी टू सर्टेन इंडस्ट्री तो पॉलिटिकल फैक्टर सबसे ज्यादा हमें यह बताता है कि गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा है अगर गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है तो बिज़नेस करने में आपको गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज़ द रीज़न व्हाई पॉलिटिकल फैक्टर्स रियली बिकम इंपॉर्टेंट जनरली आप देखोगे कि जब भी स्टेबल गवर्नमेंट बनती है किसी भी कंट्री में तो वहां पर आप देखोगे जो बिजनेसेस होते हैं वो जल्दी ज़्यादातर कंपनीज़ वहां पर आना चाहती हैं क्योंकि उनको पता है कि भाई गवर्नमेंट कोलेशन में काम नहीं कर रही गवर्नमेंट फुल टाइम काम कर रही है तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ जो है वो लंबे समय तक थोड़ा सा वो रहेंगी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे ऐसा डेली चेंज नहीं होगा तो अगर आप डेली रूल्स बदलोगे तो किसी भी कंपनी के लिए ऑपरेट करना मुश्किल होगा अब पॉलिटिकल फैक्टर्स में और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट में इंपोज ए न्यू टैक्स अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है गवर्नमेंट कोई नया टैक्स लगा देती है कोई नई ड्यूटी लगा देती है जिससे कि उनके थोड़ा रिवेन्यू बढ़ सकता है बट एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई इंडस्ट्री उससे इन्फ्लुएंस हो जाती है ठीक है कभी आप देखोगे इम्पोर्ट अलाउ कर दिया कभी आ, कभी एक्सपोर्ट को बंद कर दिया मतलब तो कुछ ना कुछ चलता रहता है रिसेंटली आप देखोगे राइस के एक्सपोर्ट को आपने बंद कर रखा है राइट तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट सिचुएशन गवर्नमेंट कुछ ना कुछ चेंजेस करती है जिसकी वजह से हर कंपनी को इन्फ्लुएंस होता है मूविंग ऑन टू द थर्ड थिंग अब इसमें और क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है तो टैक्स पॉलिसीज़ में चेंजेस लाती है फिस्कल पॉलिसीज़ में चेंजेस आते हैं ट्रेड टैरिफ्स बदल जाते हैं तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ हर साल चेंज करती है जिसकी वजह से कुछ बिजनेसेस को फ़ायदा होता है कुछ बिजनेसेस को नुकसान होता है और उसी पर डिटरमाइन होता है कि पॉलिटिकल फैक्टर का इन्फ्लुएंस किस तरह का है मूविंग ऑन टू द सेकंड वन एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक फैक्टर अब इकोनॉमिक फैक्टर में क्या होता है कि हम इकोनॉमी के परफॉर्मेंस को देखते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है क्या इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्या इकोनॉमी बुरा परफॉर्म कर रही है क्या इकोनॉमी में एक एक ग्रोथ दिख रहा है जैसे हम देखते हैं कि अभी भी एक रिसेंट जो रिपोर्ट आई थी जिसमें रिसेशन का रिपोर्ट था उसमें पता चला कि भाई इंडिया जो है वो रिसेशन में जाने में सबसे लीस्ट प्रोबेबल है राइट नाउ वो इतनी जल्दी रिसेशन में नहीं जाएगा क्योंकि वो डेवलपिंग कंट्री है वहाँ पर अच्छी ग्रोथ हो रही है अभी भी जी का रेट अच्छा चल रहा है हमारा तो दैट इज द रीजन वाई कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल और इसीलिए आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर को ध्यान में रखकर इंडिया में आना चाहती है क्योंकि उनको पता है यहां पे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है लोगों की डिमांड बढ़ रही है लोगों लोगों में इंटरेस्ट है फॉरेन ब्रांड्स को लेकर के तो इसलिए वो यहां पे आना चाहती है फॉर एग्जाम्पल अब इन्फ्लेशन रेट अगर बढ़ रहा है तो वो डेफिनेटली आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा राइट तो उसके हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए अब इन्फ्लेशन अगर बहुत बढ़ जाएगा तो लोग क्या करेंगे वो महंगे लग्जरी की चीज़ें नहीं खरीदेंगे वो हमेशा बेसिक नेसेसिटीज़ वाली चीज़ें ही खरीदेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इस चीज़ को समझें एडिंग टू टू दैट इट वुड इफेक्ट द परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर ऑब्वियसली अगर अब इफ्लेशन बढ़ जाएगा तो परचेजिंग पावर पर इन्फ्लुएंस पड़ेगा परचेसिंग पावर पर इफ्लुएस पड़ेगा तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई पर इफेक्ट पड़ेगा तो हमेशा ये डिपेंड करता है कि लोग कहाँ पैसा लगाना चाहते हैं याद करो जब कोविड का टाइम आया था तो कोई भी लग्जरी पर पैसा नहीं लगाना चाहता था सब लोग नेसेसिटी पे पैसा लगाना चाहते थे राइट तो इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है वो बहुत मैटर करती है इकोनॉमिक फैक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है तो इन्फ्लेशन रेट कैसा चल रहा है इंटरेस्ट का रेट कैसा चल रहा है फॉरन एक्सचेंज के रेट्स कैसे चल रहे हैं इकनॉमिक का ग्रोथ पैटर्न कैसा चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट एफ डी ए का कितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है आपकी कंट्री में आपका स्टॉक मार्केट किस तरह से कर रहा है तो वो सब कुछ इसके बीच में आ जाता है तीसरे जो चीज है दैट इज कॉल्ड सोशल फैक्टर्स अब सोशल फैक्टर में क्या है तो दिस फैक्टर्स स्क्रटनाइज द सोशल इन्वायरमेंट टू द मार्केट एंड गॉज डिटरमेंट्स लाइक कल्चरल ट्रेंड डेमोग्राफिकअप किसी भी कंट्री का सोशल इन्वायमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे कल्चर किस तरह का है अब हमारी कंट्री में आप देखोगे हर 100 सौ किलोमीटर दो दो सौ किलोमीटर पे एक नया कल्चर शुरू हो जाता है तो दैट्स अ रीज़न वाई यहाँ पे एक एक स्टैंडर्ड तरीके से आप चीज़ों को नहीं बेच सकते आपको हर जगह के लिए कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होगी डेमोग्राफिक्स बदल जाते हैं कुछ कंट्री में यंग पॉपुलेशन होती है कुछ कंट्री में ओल्ड पॉपुलेशन होती है कुछ कंट्री में जो है पॉपुलेशन का पूरा डेमोग्राफिक अलग होता है फीमेल की पॉपुलेशन ज़्यादा है मेल की कम है तो आपको वो सब चीज़ों को ध्यान में रख के या आप अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हो एन एग्जाम्पल ऑफ दिस इज दैट बाइंग ट्रेंड्स वेर द हाई डिमांड्स ड्यूरिंग द हिडे सीजन अब ऐसे बहुत सारी कंट्रीज जैसे इंडिया भी एक वन ऑफ दम है कि जिसमें बहुत सारा हॉलीडे पे बहुत सारी शॉपिंग्स होती हैं जब कोई फेस्टिव सीजन आता है वहाँ पर बहुत शॉपिंग होती है ठीक है तो लोग फेस्टिव सीज़न के हिसाब से हॉलीडेज़ के हिसाब से ब्लैक फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे आता है तो लोग टेक्नोलॉजील प्रोडक्ट ज़्यादा खरीदना पसंद करते हैं बॉक्सिंग डे आता है तो लोग ज़्यादातर कपड़ों पर ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेल लगती है तो ये सब ट्रेंड्स भी हम फॉलो फॉलो होते हुए देखते हैं बिकॉज व कल्चरल ट्रेंड की तरह है, तो वैलेंटाइंस डे आता है तो आप देखो गिफ्ट की सेल्स बहुत बढ़ Right? तो हर कल्ट्री में कुछ ट्रेंड्स कुछ चीजें फॉलो होती हैं और उस चीज को हमारा ध्यान रखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट के डेट में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर अब टेक्नोलॉजिकल फैक्टर क्या है तो बेसिकली जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं मार्केट में आ, कोई भी चीज़ जो मार्केट में नहीं आ रही है वो आपको चाहे तो फेवर करती है या आपको अनफेवर करती है राइट अब जैसे यूपीआई आया तो यूपीआई के आने से बहुत सारी कंपनीज को बहुत फ़ायदा हुआ लेकिन बहुत सारी कंपनीज़ को नुकसान भी हुआ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कोई भी टेक्नोलॉजी या तो आपके फेवर में आ सकती है या वो आपके अगेंस्ट में आ सकती है तो इसीलिए सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप उस चेंज के लिए कितना रेडी हो हमने बहुत सारी कंपनीज़ को बंद होते हुए देखा बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकल वाइज अडाप्ट नहीं कर पाए जैसे नोकिया की आप बात करें नोकिया वन ऑफ द लीडर एक टाइम पे था मार्केट में राइट right? लेकिन जब एंड्रॉड का कल्चर शुरू हुआ जब एंड्रॉड एज अ टेक्नोलॉजी मार्केट में आया तो ही वॉज नॉट एबल टू प्रोडिक्ट या कहीं ना कहीं इसको प्रोडक्ट नहीं कर पाया कि उसका पावर कितना हो सकता है कितना चलेगा वो अडेप्ट नहीं कर पाया उस चीज को और इसी वजह से आप सस्टेन नहीं कर पाए मार्केट में तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम टेक्नोलॉजी को समझें और मार्केट में सस्टेन करें दिस रेफ टू द ऑटोमेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एन दॉन्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अवेयरनेस अवट द मार्केट पर जैसे ऑब्वियसली किस तरह का रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है किस तरह का ऑटोमेशन हो रहा है जैसे आज के डेट में फोल्डिंग फोन आ रहे हैं राइट right? अब आज के डेट में हो सकता है वो बहुत महंगे हैं लोगों में उतना क्रेज नहीं है उस चीज को लेकर हो आने आने वाले टाइम में लोगों को फोल्डिंग फोन्स बहुत पसंद आने लग तो अगर आपकी कंपनी नहीं बनाएगी या उस चीज को नहीं समझ पाएगी तो आपका मार्केट में टिके रहना मुश्किल होगा लीगल फैक्टर्स करते हैं तो एक्सटर्नल तो जो कि आपको बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं और कुछ इंटरनल लीगल फैक्टर्स भी होते हैं देर आर सर्टन लॉज जो कि आप किसी भी बिजनेस इन्वायरमेंट में जाओगे तो वहाँ का जो कुछ लेबर लॉज होता है उसको आपको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के लॉज आपको इन्फ्लूंस करते हैं एंड दैट इज़ वाई कंपनी हैज़ टू मेक पॉलिसीज विद इन द लॉ आप ऐसे लॉ के ऊपर जाके पॉलिसीज नहीं बना सकते आपको पॉलिसीज को लॉ के अंदर रह के बनाना है दैट्स वेरी इंपॉर्टें लीगल अनालस टेक्स एंड टू अकाउंट बहुत काइंड ऑफ एंगल्स तो बहुत तरह के एंगल्स को कंसिडर करते हैं जिसमें कि सारे लेजिसलेशन जितने भी लेबर लॉ इंडस्ट्रियल पॉलिसी कोई भी इंप्लायर का हेल्थ एंड सेफ्टी का इशूज़ है वो सब कुछ कवर होता है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से एक लीगल लॉज बनाए गए हैं आप उसको फॉलो करते हो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट अब कहीं पर वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कहीं पर वो थोड़े लीनियंट होते हैं तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह के हैं और उसके हिसाब से आप कंप्लाइंस कर सकते हो या नहीं कर सकते तो अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर के लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है लेबर लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उन सब चीज़ों को फॉलो करो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द इन्वायरमेंटल फैक्टर तो इवायरमेंटल फैक्टर इंक्लूड्स आप uh, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट को किस तरह का इन्फ्लुएंस आपके बिज़नेस पर डालता है वो भी बहुत मैटर करता है तो द एस्पेक्ट ऑफ द पेस्टनलिस क्रूशियल फॉर सर्टन इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल अगर आप टूरिज्म में जा रहे हो आप फार्मिंग के बिजनेस में जा रहे हो आप एग्रीकल्चर में जा रहे हो तो आपके आसपास के की इन्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन किस तरह की सॉयल की क्वालिटी किस तरह की है वहाँ पर कितना बूम है किसी चीज़ का वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो फैक्टर्स किस किस तरह के इसको इंक्लूड करते हैं जैसे क्लाइमेटिक सिचुएशन क्या है वेदर कैसा है जियोग्राफिकल लोकेशन किस तरह के हैं ग्लोबल चेंजेस इन क्लाइमेट क्या हो रहा है इन्वायरमेंटल uh, ऑफसेट्स कब कब हो सकते हैं किस किस तरह के हो सकते हैं वो सभी चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट इज रिलेटेड मोर रिलेटेड टू इनवाइट ओके आई होप की आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई कैसे काम करता है एंड इफ यू रियली लाइक माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू रिल चैनल डू सब्सक्राइब इट और सो दैटो नोटिफिकेशन मिल पाए हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे थैंक यू